काफी टाइम बाद बिना कोई प्रोपोगेंडा वाली मूवी भारतीय हिंदी मूवी देखने को मिली है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा नेल पॉलिश मूवी के बारे में जिसे G5 पर रिलीज किया गया है। तकरीबन ये 2 घंटे लंबी मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया बक्स भागव कृष्णा ने। इसके अंदर कास्ट है अर्जुन रामपाल, मानव कौल, रजित कपूर और बाकी अन्य कलाकार। ये मूवी जो है वो कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है और इसमें एक ऐसा केस सामने आता है जिसमें कानून भी है वो दुविधा में पड़ जाता है कि किसका पक्ष लें किसका नहीं। चलिए आप लोगों को इसकी थोड़ी सी कहानी के बारे में बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 38 बच्चे गायब हो चुके हैं, उनके वो मारे जा चुके हैं। अब पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिला है कि किसने ये किया है, क्यों किया है, उनको कुछ नहीं पता। तभी अचानक उनको पता चलता है एक भारतीय खुफिया विभाग के रिटायर्ड अधिकारी जिसका नाम होता है वीर सिंह, जो एक खेल की एक एकेडमी भी चला रहा है। तो ये पुलिस वाले इनके पास पहुंचते हैं और उनके पास कुछ एविडेंस होते हैं जिससे ये वीर सिंह को कहते हैं कि तुमने कत्ल किए हैं 2 बच्चों का, और इसको पकड़ के ये लेके चले जाते हैं। तो एक फेमस लॉयर होता है जिसका नाम होता है जय सिंह, जिसे प्ले किया अर्जुन कपूर ने। अब वो इनके डिफेंस का लॉयर बनता है, वीर सिंह का डिफेंस का लॉयर बन, मतलब इसको बचाने के लिए आते हैं। अब इसको जो है वो कोई, ये वीर सिंह खुद नहीं कहता कि मेरे लिए केस लड़ो, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इस जय सिंह को कहती है कि जाके वीर सिंह को रिहा करो ताकि लोगों में इस जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रति लोगों में ट्रस्ट कम हो जाए और अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं और उसको जो इलेक्शन आएंगे उसमें ये वाली पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाए। देखो इसके अंदर पॉलिटिक्स का ज्यादा कुछ इसमें दिखाया नहीं गया, बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिक्स ने इस लॉयर को वीर सिंह का लॉयर डिसाइड किया है। अब इस मूवी में ट्विस्ट आने स्टार्ट होते हैं, जो प्रोसिक्यूटर लॉयर है वो वीर सिंह को सजा दिलाना चाहता है, वहीं डिफेंस लॉयर जो है वो वीर सिंह को बचाना चाहता है। अब ये दोनों आपस में दलीलें करते हैं और ये कोर्टरूम ड्रामा हमारे सामने आता है। एक जो चीज मुझे पर्सनली काफी पसंद आई वो एक जज का पर्सपेक्टिव इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि एक जज जो होता है वो केवल आप जैसे देखते हैं कि टीवी में उनके पीछे की कोई लाइफ नहीं दिखाता, एक्चुअल में उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, वो अपनी अपनी गृहस्थी लाइफ से भी बहुत ज्यादा जूझ रहे होते हैं, उनकी लाइफ में परेशानियां चल रही होती हैं। तो इन सबको वो झेलते हुए भी कोर्ट में जाते हैं, दलीलें सुनते हैं और बिना कोई मतलब कि एकदम शांति से फैसला देते हैं, तो बहुत बड़ा काम है। तो एक काफी ज्यादा मुझे पसंद आया कि हाँ एक जज का भी पर्सपेक्टिव इसमें दिखाने की कोशिश की है। इस मूवी की जो शुरुआत होती है वो बहुत ज्यादा स्लो है और इसमें जो कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया है यार, हम उससे उतना कनेक्ट नहीं हो पाते जितना कि हम जो सेक्शन 375 मूवी में थी उसमें जो कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया बहुत जबरदस्त था उसका, तो इसमें उस लेवल का नहीं है। मैंने उम्मीद बहुत की थी कि जब इसमें दिखाया जाता है कि हाँ अब इसमें केस होगा, इन दोनों दलीलें दिखाई जाएंगी, तो ये सब चीजें दिखाई गई तो इतना मतलब निराशा हाथ लगी कि यार नहीं यार, इससे थोड़ा और ज्यादा एक्सेप्ट किया था मैंने। और जब ये मूवी खत्म होती है तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ जगह पे जो इसमें जो बातें की गई, जो कन्वर्सेशन थी वो काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल थी, देखकर काफी अच्छा लग रहा था, सुनकर उनकी बातें काफी अच्छा लग रहा था और उसमें एक तरीके से कनेक्शन भी बन रहा था, लेकिन कुछ जगह पे जो दलीलें थी वो बेबुनियादी थी। और इसके लास्ट के कुछ सीन जो दिखाए गए जिसमें जज के सामने एक ऐसी सिचुएशन बन के आती है कि उनको ये डिसाइड करना होता है कि एक जो क्राइम है वो किसने किया है, एक शरीर ने किया है या फिर एक दिमाग ने किया है, सजा किसको मिलनी चाहिए, एक शरीर को या दिमाग को, और जो वो फैसला देते हैं वो काफी ज्यादा अच्छा है, हम उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। और ये हमारे सामने भी एक तरीके से देखा जाए तो एक चैलेंज है, अगर हमसे कोई पूछे कि अगर तुम्हें कोई सजा देनी हो या तुम्हें बताना हो कि असली गुनहगार कौन है, तो हम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यार इसमें ऐसी सिचुएशन हमारे सामने बनती है। मूवी की जो लेंथ थी वो बहुत ज्यादा थी, कुछ एक सीन जो थे उनको काट कर कुछ इन्फॉर्मेटिव सीन डाल के मतलब उसे इंटरेस्ट बनाया जा सकता था जिसे मूवी समझने में काफी मदद मिलती। और सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे सामने ये खड़ा होता है कि यार जिसने 38 बच्चों को मारा है एक्चुअल में वो मारा ही क्यों है, क्या रीजन था उसका। अब अगर इसमें परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, मूवी ज्यादा लेंथी होने के कारण हमें बोर करने लग जाती है और इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इसके साथ ज्यादा देर तक कनेक्ट रह पाए। और जब ये मूवी खत्म होती है तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अब देखो यार ये वन टाइम वॉच मूवी तो मैं इसे कह सकता हूं, लेकिन इसे बार बार आप देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले। और जब आप ये मूवी देख रहे होगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में कुछ चीजें ऑलरेडी चल रही होंगी कि हाँ यार ये एक इंसान जो केस से बचने के लिए शायद ये एक्टिंग कर रहा हो, ऐसे ही चीजें मेरे अंदर चल रही थी, ऐसे थॉट मेरे अंदर चल रहे थे जब मैं वो सब चीजें देख रहा था। अब देखो यार वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि यार वो स्पॉइलर वाली बात हो जाएगी, लेकिन जब आप ये मूवी देखोगे तब आप खुद इस चीज को फील करोगे। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 सर। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी और आप क्या सोचते हैं इसकी एंडिंग के बारे में, या फिर जो इंसान का जो करेक्टर इसके अंदर दिखाया गया कि दिमाग और शरीर इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आप बेशक कमेंट करके मुझे बताना यार। और जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उनको यही कहूंगा कि यार आपने अगर कोर्टरूम ड्रामा वाली एक हल्की फुल्की मूवी देखनी है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, या फिर आपको अर्जुन रामपाल सर पसंद है तो आप बेशक इस मूवी के साथ जा सकते हो, और वन टाइम वॉच तो मूवी है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।